कुछ भी नहीं दिया मोदी जी, बस झूठा वादा कर रही हो। सबसे ज्यादा आपकी बार महिला है ना जो कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर रही है। मोदी जी झूठा है, ऐसा गलो सच्चा। जो भी परित्यक्ता की 1000 रुपए पेंशन मिल रही है, मैं भी वो लाभ ले रही हूँ। जो कुछ दे रहा सब कुछ वही दे रहे हैं कांग्रेस जी। बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं देंगे हम वो, क्योंकि मोदी ने किया क्या हमें बताओ सर, क्या किया है। मुझे कांग्रेस पार्टी पे पूरा विश्वास है, कांग्रेस जो वादे करती है वो निभाती है। राहुल गांधी जी ने भी वादा किया है, 2 साल की जनसभा में वादा किया है कि यानी कांग्रेस की सरकार बनते ही ये वादे सारे लागू हो जाएंगे, 10,000 रुपए पर महिला मुखिया को मिलेगा। वो एकदम थम्मादार कांग्रेस वो है, हम तो उसी को ही चुनेंगे, क्योंकि मोदी ने किया क्या हमें बताओ सर, क्या किया है, कोई रिजल्ट तो बताओ, ये किया है ना, तो स्कूल में लाभ दिया ना कुछ। मेरे को पेंशन मिल रही है, मेरे को राशन का अनाज मिल रही है, और फोन भी मिलियो से मन रहा, सो गलत दिया। मोदी जी का तो कुछ भी नहीं चल रहा, मोदी जी की तो वो दे रही है, कुछ भी नहीं दिया मोदी जी, कुछ भी नहीं दिया, बस झूठा वादा कर रही हो। मैं तो माई हो बहन हो ऐसे ही बोलता है। सरकार गहलोत जी की है और गहलोत जी आएगा और गहलोत जी जनता के लिए सब कुछ कर रही है। देखो पिछली सरकार में वसुंधरा जी की टाइम भी काफी जो लॉयल ऑर्डर की उनकी प्रशासन की इनकी धज्जियां उड़ी थी, तो ये तो देखो ये कोई गारंटी नहीं दे सकता इसकी, तो ये 19-20 चलता रहता है। पिछली सरकार में भी बहुत अत्याचार हुए थे, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाया था, कई जगह भ्रष्टाचार भी हुए थे, ये 19-20 की बातें हैं। लेकिन हाँ, हमें कांग्रेस पार्टी पर पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी जनता को साथ लेकर चलती है, आम गरीब की जनता की सुनती है, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की सुनती है कांग्रेस पार्टी। लॉकडाउन में जो हमारी हालत थी, जो रोज लोग कमा के खाते थे उनको कुछ नहीं, वो भूखे मरे, वो कांग्रेस ने होती तो ये लोग रोड पे पैदल जा रहे, उनको पूरा सुविधा कांग्रेस ने आया तो सर बीजेपी तो आती कहीं तो दिखती, उसकी आँख ही नहीं दिखी हमें कहा, अब ये बीजेपी की आँख खड़ी हुई है। सब कांग्रेस के लोग थे, भूखे मर रहे थे, आम जनता ने साथ दिया था, कहाँ गई थी वो बीजेपी उस टाइम। अब बोल रही है सिलेंडर ये करना, पहले करो ना, पहले करके दिखाओ, कांग्रेस ने करके दिखाया है और फिर थप्पा मारा है कांग्रेस ने। स्कूल में सुविधा दी कांग्रेस ने दी, ये कहाँ गई बीजेपी, बीजेपी कहाँ गई। चुनाव में अब की बार जो माहौल है कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। लॉकडाउन में जो कोरोना आया था उसमें चिकित्सा व्यवस्था बहुत शानदार थी कांग्रेस सरकार में, और जो 25 लाख का चिरंजीवी बीमा है और एक्सीडेंटल बीमा है, इसमें कई लोगों ने बहुत लाभ लिया है, हमने भी लाभ लिया है इसमें। और देखो मेरी मदर को विधवा पेंशन भी मिल रही है, पहले यानी 6 में मेरे फादर ख़त्म हो गए थे, तो 6 और 2007 2008 तक मेरी मदर की पेंशन नहीं बन पाई थी, उनमें उन्होंने बहुत नियम लगा रखे थे, उसमें हम वंचित रह गए थे सारे लाभों से। फिर जैसे ही 2008 में कांग्रेस की सरकार आई, मेरी मदर की तुरंत 500 रुपये पेंशन बंद गई, तहसील में जाकर मैंने बंदवा दी हैंड टू हैंड। फिर हमारा खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ गया, तो हमें खाद्य सुरक्षा में अनाज मिला और अभी फूड किट भी हमें मिला। मुझे कांग्रेस पार्टी पर पूरा विश्वास है, कांग्रेस जो वादे करती है वो निभाती है।